मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखे, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। शोभा ताई बच्चाओ धोलिया मालेगांव पार्लियामेंट इलेक्शन की जीत से दो कदम दूर। मौसम की गर्मी या पैसों की गर्मी बन रही है वजह। क्या शोभा ताई बच्चाओ कॉरपोरेशन का इलेक्शन तो नहीं लड़ रही है? इनकी इलेक्शनी तैयारी पर सोशल मीडिया पर चल रही है चर्चा। ताई खुशफहमी के समुंदर से बाहर निकलो, वरना इलेक्शन का शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। धुलिया मालेगांव पार्लियामेंट इलेक्शन साल 2024 की तारीख डिक्लेयर होने के बाद महाविकास अघाड़ी ने एक बाहरी उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी की कदावर लीडर, साबिक मेयर और साबिक मंत्री श्रीमती शोभा ताई बच्चाओ को अपना उम्मीदवार मुंतखिब किया है। मगर जिस दिन से शोभा ताई बच्चाओ का नाम फाइनल हुआ है, इसके बाद से मोहतरमा ने मालेगांव सेंट्रल और आउटर, जहां बड़ी तादाद में वोटरों ने माजी में पार्लियामेंट इलेक्शन में वोट डाली है, सिर्फ इन पार्टियों के जिम्मेदारान से रस्मी मुलाकात करके शोभा ताई बच्चाओ ने अपनी इलेक्शनी सरगर्मियों से गायब हो गई है। जिस दिन से शोभा ताई बच्चाओ का नाम फाइनल हुआ, इस दिन से इनकी मुखालफत खुद कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस में दोस्त पार्टियों ने भी जाहिर की है। मालेगांव शहर में गुज़िश्ता दिनों ऐश्वर्या मंगल कार्यालय में एक इंतखाबी मीटिंग शोभा ताई बच्चाओ ने लिया, जिसमें महाविकास अघाड़ी व इंडिया अलायंस के इत्तेहादी पार्टियों के अहम जिम्मेदारान शरीक मीटिंग नहीं रहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर साबिक एमएलए आसिफ शेख रशीद, समाजवादी पार्टी की सदर शान हिंद और युवा नेता मुस्तकीम डिग्निटी भी मीटिंग में मौजूद नहीं रहे। उद्धव बाला साहब ठाकरे, शिवसेना गढ़ के मुकामी जिम्मेदारान भी इस इंडिया अलायंस की उम्मीदवार की पहली इंतखाबी मीटिंग से गैर हाजिर रहे। क्या वजह है? क्या शोभा ताई बच्चाओं ने मौसम की गर्मी का फ़ायदा उठाते हुए पैसों की गर्मी से राह हमवार कर ली है, या फिर पार्लियामेंट इलेक्शन को कॉरपोरेशन का इलेक्शन समझ रही है, या फिर ताई किस खुशफहमी के समुंदर में डूबी हुई है कि शुभ मुहूर्त पर निकलकर इलेक्शन की बाजी मार लेंगी? 20 मई को मालेगांव धुलिया पार्लियामेंट इलेक्शन की वोटिंग के लिए 25 दिन बचे हैं, मगर किसी भी असेंबली हलके में इंडिया अलायंस की कांग्रेस उम्मीदवार शोभा ताई बच्चाओ की कोई सरगर्मी दिखाई नहीं दे रही है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से समाजवादी पार्टी के युवा नेता मुस्तकीम डिग्निटी ने इजहार अफसोस करते हुए शोभा ताई बच्चाओ को शादी का दुल्हा कहा और बारातियों का कोई अता पता नहीं है, इस जानिब मीडिया को वाजे इशारा दिया कि इंडिया अलायंस की उम्मीदवार मालेगांव समेत पार्लियामेंट इलेक्शन को हल्के में ले रही है, या फिर मालेगांव के वोटरों को मजबूर समझ रही है। ये बीजेपी को कभी वोट नहीं करेंगे, बल्कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को ही वोट करेंगे। क्या सेकुलरिज्म का ठेका सिर्फ मालेगांव के मुसलमानों ने ही लिया है? शोभा ताई बच्चाओ को किस बात का घमंड है, या कौन है जो शोभा ताई बच्चाओ को चला रहा है? अगर शोभा ताई बच्चाओ को सुभाष भामरे को पार्लियामेंट इलेक्शन में शिकस्त देना है, तो इन्हें 6 असेंबली हलकों में मालेगांव को ज़्यादा अव्वलियत देना होगी। इलेक्शन में जीत हासिल करने के लिए एक एक वोटरों के घरों तक पहुंचना ज़रूरी होता है, और इस काम के लिए जब तक सियासी लीडरान अवाम में जहन साजी का काम और वोटिंग परसेंटेज, वोटों का तनासुब बढ़ाने के लिए जो तश्कील वगैरह करते हैं, जब ही अवाम बेदार होती है। इतना बड़ा इलेक्शनी हलका है, 22 लाख के करीब वोटर हैं। मुकामी कांग्रेस सदर एजाज बेग का गुज़िश्ता 15 दिनों में ऐसा कोई बयान मीडिया के ज़रिए नहीं आया है, और ना ही ऐसी कोई सरगर्मी
दिखाई दे रही है। इंडिया अलायंस में इत्तेहादी पार्टियों का तालमेल न होना, पार्लियामेंट उम्मीदवार शोभा ताई बच्चाओं का इलेक्शनी सरगर्मियों की सुस्त रफ्तारी या गफलत या खुशफहमी का शिकार होना वगैरह वगैरह इस बात का इशारा है कि कहीं इस उम्मीदवार ने शिकस्त को तस्लीम तो नहीं कर लिया है या जीत की खुशफहमी का भूत अपने ऊपर सवार तो नहीं कर लिया है। शोभा ताई बच्चाओं को एक बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि मालेगांव शहर बहुत ही अलग सियासी मैदान का ऐसा दंगल है जो रुख मोड़ देता है। आज ये हालात हैं कि सही सिमत में इत्तेहादी पार्टियों को साथ लेकर इलेक्शन लड़ा जाए तो जीत को 100% यकीनी बनाया जा सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि शोभा ताई बच्चाओं जल्द अज जल्द मुकामी सियासी लीडरान के साथ इलेक्शनी मैदान में पूरी आब व ताब ताकतों कुव्वत से मुकाबला करे तो बीजेपी के उम्मीदवार को करारी शिकस्त दी जा सकती है।